अगर हम गाइज होम अप्लायंसेस की बात करें, जिस तरीके से आपने पिछले कुछ डिकेड्स में ट्रेंड देखा होगा, लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, आफ्टर दैट वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर अब हाईली पॉपुलर हो चुके हैं और मस्ट हैव गैजेट्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड जो आने वाला वो है स्मार्ट वैक्यूम रोबोट एंड मॉप का। ये गैजेट सीरियसली बहुत ज़्यादा बूमिंग एंड ट्रेंडिंग है। दैट्स वाई मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप इस तरह के किसी वैक्यूम क्लीनर को बाय करें ना बाय करें? जैसे मैंने काफ़ी सोच करके ये चीज़ बाय की, क्यों बाय करें, सारी बातें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में गाइस वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज के हैं। अगर आप एक जस्ट कैजुअल रेंज देखेंगे 20,000 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 1 लाख तक जाते हैं। सभी बिग ब्रांड्स ये चीज़ बना रहे हैं और बहुत से फॉरेन ब्रांड भी अब ये चीज़ इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। राइवल्स में और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों चूज़ किया। इन दी बॉक्स में गाइस ऑफ कोर्स आपको एक ये रोबोटिक वैक्यूम एंड मॉप मिलेगा। मैं जस्ट इसको रोबोट बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लंबा नाम हो जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक मॉपिंग गैजेट मिलता है, एक्सेसरीज आप कहते हैं, जिसमें वाटर टैंक भी है, प्लस ये रहा चार्जिंग डॉक एंड यहाँ पे रहा एक चार्जिंग एडाप्टर। क्विकली मैं आपको इस रोबोट का ओवरव्यू दे दूँ। ऑनली टॉप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये गाइस एक लाइडार नेविगेशन सिस्टम है, बिकॉज ये लेजर से आपके घर में मैपिंग सारी चीज़ें करते हैं। वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो बटन हैं, एक आपका ये पावर ऑन ऑफ है और ये होम बटन है। जस्ट लाइक आपको ये यहाँ पर प्रेस कर देंगे, अपने आप वो आपके चार्जिंग डॉक पर चला जाता है। इन साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेन स्टफ है जो इसका बोलते हैं, इसको आप टैंक बोल सकते हैं। छोटा सा आपको यहाँ पर ब्रश मिलता है। 1 वीक हैवी यूसेज में कितनी यहाँ पर चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि इस प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है वो इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ये फिल्टर है, बिकॉज इनसाइड से जो भी डस्ट यहाँ पे आती है और वो एयर यहाँ से बाहर निकलता है, तो इसलिए आपको ये फिल्टर विद टाइम पे क्लीन करना पड़ सकता है। और मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, ये इसका साइड ब्रश है छोटा सा, जो एक्चुअली सारे डस्ट को ऐसे सेंटर पर ले जाता है। प्लस यहाँ पर ये इसका मेन ब्रश है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है। इवन ये बिग बिग हेयर स्ट्रैंड्स को भी आसानी से आप देखो अंदर डाल देता है। और ये जो व्हील्स इसके आप देख सकते हैं, ये मैन्यूवर करने के लिए बहुत ही सही डिज़ाइन किए गए हैं। बिखर के आधे से 1 इंच के सरफेस पे ये चढ़ भी जाता है, यानी कि अगर आपका घर फ्लैट लेवल पे नहीं भी है तो भी चढ़ जाएगा। यहाँ पे ये बॉल है जिसके थ्रू ये 360 डिग्री रोटेट भी कर लेता है। ये जो रोबोट है ये बोथ वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग एक साथ कर सकता है, 2-in-1 है। दैट्स वाई यहाँ पे एक सेपरेट वाटर टैंक है। इसकी कैपेसिटी अराउंड 237 ml है, जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ऑल्सो इस वाटर टैंक में 3 डिफरेंट तरह के लेवल्स भी हैं। आपको किस लेवल की क्लीनिंग चाहिए, लाइक जो वाटर इसमें भरते हैं, आपको ये मॉप बहुत ज़्यादा वेट चाहिए, मीडियम चाहिए या हल्का सा ड्राई में चाहिए? आपको ड्रीम होम ऐप इंस्टॉल करना है, जो कि बोथ आईफोन एंड एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है। ऐप बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। जैसे आपकी डिवाइस ऑनलाइन ही आती है, पावर ऑन में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कूल पार्ट क्या है कि ये ऐप आपके मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करता है। जैसे आपको यूज़ करना है, आपको ऑफकोर्स घर में एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, बिकॉज यहाँ पे लाइडार नेविगेशन का सपोर्ट है। ऐप के थ्रू आप डिफरेंट तरह का क्लीनिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक अगर आपने वाटर टैंक इंस्टॉल कर रखा है तो आप ओनली मॉपिंग एंड स्वीपिंग एंड मॉपिंग बोथ कर सकते हैं। सक्शन सेटिंग भी यहाँ पे काफ़ी सही लगाई गई है, जैसे कि क्वाइट, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड टर्बो। थोड़ा सा आप डीप लेवल के नहीं चाहते हैं तो आप वाटर लेवल भी चेंज कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड दी हाई। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके घर में जो आपका फ्लोर है वो कितना साफ रहता है या कितना गंदा रहता है। कूल फीचर यहाँ पे ये भी दिया गया कि आप डेली मॉपिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, आप किस ऑर्डर में रूम को क्लीन करना है, किस ऑर्डर में चाहते हैं रूम क्लीन ना हो। ऑल्सो आप जोन वाइज भी क्लीनिंग कर सकते हैं, आपको जस्ट स्पेसिफिक एरिया पे ये पॉइंटर जाके एडजस्ट करना है और वो जस्ट उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही क्लीनिंग करेगा। और उससे यहाँ पे आप चाहें तो रूम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जस्ट किसी स्पेसिफिक रूम क्लीन करना हो वो भी ये क्लीन कर सकता है। नॉट जस्ट दैट, आप यहाँ पे चाहें तो शेड्यूल क्लीनर भी लगा सकते हैं। अनदर कूल पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा कि आपने जो एक्सेसरीज यूज़ कर रखी हैं उसकी लाइफ कितनी, जैसे कि फिल्टर, साइड ब्रश, मेन ब्रश, कितने आवर वहाँ पे अभी एग्जैक्टली यूसेज टाइम बचा हुआ। प्लस आप इस फोन को ऐसे रिमोट भी कंट्रोल कर सकते हैं और मैनुअली चाहें तो अपने रोबोट को खुद ही नेविगेट करा सकते हैं।
एक्चुअल मेन स्टफ पे आते हैं गाइस कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहाँ पे 2500 पीए का आपको सक्शन पावर मिलता है, बहुत ही इजी। आपको जस्ट यहाँ पे क्विक वे में ऐसे करना है और वो एग्जैक्ट एरिया आप पिन पॉइंट कर लेंगे, जो कि आप जहाँ पे रहते हैं आपको तो वो एरिया पता ही होगा कि वो कैसे काम करता है। और मैं क्लीनिंग सेटिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सक्शन को स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग एंड टर्बो पे लगा रखा है। जस्ट मैंने इसको टर्बो पे लगाया, वाटर कैपेसिटी अभी है नहीं। साइकिल्स में जस्ट वो आप चेंज कर सकते हैं, आप कितनी बार में क्लीनिंग ज़्यादा चाहते हैं, हम जस्ट बेसिक पे रखते हैं। अभी गाइस आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्या था पहले और अब क्या सीन है। लास्ट टेस्ट बचा है, यहाँ पे मॉपिंग टेस्ट करते हैं कि ये एक्चुअली पोछा कितना अच्छे से लगाता। तो हम यहाँ पे कुछ ढेर सारे डस्ट लगाएंगे, कीचड़ लगाते हैं, फिर इसको साफ करते हैं। वैसे मैं आपको दो बातें बता दूँ, हमने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पे गंदगी की थी ताकि हम एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। अगर आपको एकदम सुपर परफेक्ट मॉपिंग चाहिए, आई थिंक आपको थोड़ा सा और अपडेटेड मॉडल पर जाना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रीम लेवल के लिए ये शायद आपको 100% मॉपिंग ना दे पाए। मॉपिंग भी डन हो गई है, चलिए फाइनल रिजल्ट देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अभी क्लोजली देखूँ, जब अभी काफ़ी विंटर यहाँ पे है तो फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको गीली दिखाई पड़ेगी, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ कि लाइक ये 95-90% एक्यूरेटली इसने साफ़ किया है, वो भी तब जब हमने एक्सट्रीम यहाँ पे गंदगी की थी। बट फिर भी इसकी परफॉर्मेंस सुपर कूल है। बैटरी ड्रेन आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जस्ट 11% हुआ, इतनी देर हमने यहाँ पे ये स्वीपिंग की प्लस मॉपिंग भी कंप्लीट की। इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको 3200 mAh की बैटरी मिलती है। इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ी कम है, लेकिन एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नीड कितनी है। इस पर्टिकुलर बैटरी के हिसाब से फुल चार्ज में आप अराउंड 1600-1700 स्क्वायर फीट का एरिया घर में क्लीन कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है जितना भी सरफेस एरिया आप कवर करना चाहते हैं। इसमें एडवांस फीचर ये भी है, अगर आप लॉन्ग हाउस क्लीन करते हैं और इन बिटवीन अगर क्लीनिंग में बैटरी कंप्लीट डाउन हो जाती है, तो ये रोबोट खुद ही जाके अपने आप को सफिशेंटली चार्ज करके दोबारा क्लीनिंग को रिज्यूम कर सकता है। तो ये सारे स्मार्ट फीचर ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं। एंड जस्ट लाइक एनी गैजेट गाइस, इस गैजेट के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आपके घर में जो फर्नीचर्स हैं वो बहुत ही लो ग्राउंड क्लियरेंस के हैं, जैसे कुछ मॉडर्न सोफाज आते हैं वो बहुत ही ग्राउंड तक होते हैं, तो वहाँ पे ये अंदर नहीं जा पाएगा, बिकॉज इसकी एक मिनिमम हाइट है, वो ऑब्जेक्ट आपका उतना मिनिमम गैप उसमें होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे जो लाइडार नेविगेशन सिस्टम ऊपर लगा हुआ है वो सम टाइम बहुत सी चीज़ों से टकरा जाता है, तो ये कंपनी को मे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए कि ये फ्रंट में ये चीज़ दे दी जाए, ताकि एक्स्ट्रा जो आपको हाफ इंच का स्पेस बच रहा है वो बहुत से प्लेसेस पे हो सकता है। मेरे घर में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी ऑब्स्टेकल कर रहा था। जो इसमें एक्सेसरीज लगती हैं लाइक मेन ब्रश, साइड ब्रश और जो मॉप है, उसका भी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, उसका एक लिमिटेड यूसेज टाइम होता है। आफ्टर दैट उसको आपको या तो क्लीन करना पड़ता है या तो आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉस्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितना फ्रीक्वेंटली कितना हैवीली इसको यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूँकि यहाँ पे सक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो विंटर सीजन भी आपको थोड़ा सा नॉइजी फील हो सकता है, बिकॉज सन ही बहुत ही साइलेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, कंक्लूजन, क्या आप बाय करें ना बाय करें, और बाय करें तो इस पर्टिकुलर ब्रांड का आप क्यों बाय करें। देखो, मैंने आपको फीचर्स तो सारे बता दिए कि कैसे कैसे आप किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, एवरीडे जो आप डेली हेल्प्स के इन्वेस्ट करते हैं, प्लस जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन, एवरीडे कोई काम नहीं कर सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, मेडिकल कंडीशन होती हैं, हेल्थ कंडीशन होती हैं, लेवल ऑफ क्लीनिंग होती है जो कि मैन मेड से उतनी बढ़िया नहीं हो पाती हैं लाइक विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हैंड्स। लेकिन ये पर्टिकुलर जो मॉडल्स होते हैं, लाइक आप इसको रोबोट कह सकते हैं, गैजेट कह सकते हैं, ये उन सारी चीज़ों से फ्री ऑफ लिमिटेशन होते हैं, आपको बेटर क्लीनिंग एज नीडेड व्हेन नीडेड दे सकते हैं विद द बेटर रिजल्ट विद अ पीस ऑफ माइंड। ये पर्टिकुलर मॉडल मैंने इसलिए प्रेफर किया बिकॉज अल्टरनेट में लाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए कंपैरिजन में वो Xiaomi का ही मॉडल है जो आता है सेम प्राइस में, लेकिन उस मॉडल में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन मैंने नोटिस की कंपेयर टू इसके लिमिटेशन के लाइक थोड़े से कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि जो उसकी वाटर टैंकी कैपेसिटी है वो इस मॉडल से थोड़ी कम है, थोड़ी क्या लाइक काफ़ी कम है। जो डस्ट बॉक्स का कैपेसिटी है वो इसका हाईएस्ट है, और इनफैक्ट वाटर टैंक का कैपेसिटी भी इसका हाईएस्ट है। ऑल्सो ये थोड़ा सा कम डेसिबल साउंड भी प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू अदर मॉडल्स के, और इसकी बैटरी लाइफ भी अराउंड 150 आवर्स है, जो कि अदर मॉडल्स में जस्ट 120 आवर्स है। तो ये सारे फीचर्स देख के मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल को पिक किया है, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में एक बेटर क्लीनिंग मॉप चाहते हैं, वैक्यूम रोबोट चाहते हैं, सो दिस F9 Pro इज़ द बेस्ट वे टू गो विद दैट।